ये बताइए, सीमा भाभी को देखने के लिए आप आ रहे थे, आप कहाँ हैं भाभी? हाँ बताएंगे। हाँ जी, आप लोग तो वेलकम कर रहे थे। मैं तो अभी आया हूँ। देखिए, बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये युवा वर्ग यही है जो सीमा भाभी करके यहाँ पर रोज उनका वेलकम करता था, लेकिन आप कहाँ हैं भाई साहब, बताएं। क्या सीमा हैदर झूठ बोल रही है? क्या एटीएस की अब तक की हुई पूछताछ में सीमा ने एटीएस की टीम को बरगलाने की कोशिश की है? जी हाँ, इन्हीं सवालों का जवाब तराशने के लिए एटीएस की टीमें जल्द ही लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की ओर रुख कर सकती है। इस वक्त हम सीमा हैदर के ठीक घर के बाहर हैं, जहां पर आज दूसरा दिन सीमा हैदर को लेकर एटीएस की टीमें यहां से रवाना हो चुकी है। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे सीमा हैदर को पूछताछ के लिए एटीएस की टीमें यहां से लेकर गई हैं। उनके साथ उसके दो बच्चों को भी लेकर गई है, हालांकि बच्चे छोटे हैं क्योंकि माँ के बगैर नहीं रह सकते, और इसी वजह से उन्हें भी लेकर गई है। उसके साथ ही सचिन नाम का जो युवक जिसके घर में सीमा हैदर रह रही थी, वो एक दिन पहले ही यानी सोमवार की शाम को जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसे एटीएस ने अपने पास ही रोका हुआ है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस की टीमें लेकर गई है। एटीएस की टीमें अब उस एंगल की तरफ जांच कर रही है जिस पर अब तक पर्दा साफ नहीं हुआ था, और यही वजह है कि आज सीमा हैदर के घर के बाहर जो रोजाना भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सीमा हैदर कई सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं दे रही है जो यहाँ पर एटीएस की टीम है उससे पूछना चाहती है। सीमा हैदर किस एजेंट के मार्फत नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई थी, उसने अब तक उसका खुलासा नहीं किया है। उसने वो सब कुछ पुलिस एजेंसियों को अब तक बताया है जो सीमा हैदर चाहती थी, उसके अलावा उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिसे एजेंसियां जानना चाहती है। किस एजेंट ने उसे नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करवाया था, और कौन लोग थे, क्या वो एजेंट पाकिस्तानी था, और पाकिस्तान में उसने किस तरह से पासपोर्ट की तैयारियां की थी, ये सारी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे सीमा हैदर का ये घर है, और इस घर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सचिन मीणा का ही भाई यहां पर है और उसके अलावा यहां पर इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी बोली, क्योंकि इलाके के लोगों ने सीमा हैदर का बखूबी स्वागत किया था, उसे यहां पर अपनी बहू बनाया था, किसी ने अपनी भाभी बनाया था। लेकिन यहां पर अब सीमा हैदर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एटीएस की टीम है हमेशा उन मामलों में जांच पड़ताल करती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, और इसी वजह से यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये वाकई में पाकिस्तान से सिर्फ प्यार के खातिर आई है या फिर इसके पीछे की कोई और मंशा है। और इसी वजह से एटीएस की टीमें आज सुबह लगातार दूसरी बार पूछताछ करने के लिए उन्हें एटीएस दफ्तर के लिए लेकर गई है। और आप देखेंगे ये हमारे साथ सचिन के भाई हैं। कितने बजे आई थी एटीएस? भाई मैं तो भाई ना हूँ, पता हो रही तो। हाँ, कितने बजे लेकर गई है? पता नहीं है भाई कुछ भी। बच्चे घर में और भी है कोई? कोई भी ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और आपके पिताजी कहाँ है? पता नहीं। सचिन रात को घर आया था? पता नहीं। ये लेकर गई है सीमा हैदर को अभी? भैया मुझे पता नहीं है कुछ भी। देखिए, सचिन के भाई हो आप, हम जानते हैं, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में बताइए कि कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस कब? कब की? सुबह तो रात की रात भी रही पुलिस तो। अच्छा, तो आपसे भी पूछताछ कर रहे हैं? ना, किसी से भी ना। आपसे नहीं कर रहे? क्या कहा गया? कुछ भी ना कही। सीमा कितने बजे आई थी रात को? ऐसे कोई 12-1 बजे करीब। और पापा भी आ गए थे आपके? और सचिन भी आया रात को? सचिन नहीं आया। क्या बोला, बताया उन्होंने सचिन क्यों नहीं आया? कुछ बताई नहीं, पिन वगैरह पीछे पीछे आ रहे हैं, आए नहीं पीछे पीछे। फिर नहीं आए? नहीं आए। अभी सुबह फिर लेके चले गए? हेलो, फिर सुबह लेके चले गए भाई? काम है यूं, गौरव घर। देखिए, ये सचिन के भाई हैं, क्योंकि घर में इस वक्त यही शख्स जो है वो अकेला है, लेकिन कुछ भी बताने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीमों ने इन्हें मना किया है, और इसी वजह से सचिन के भाई जो है अपने घर से नहा धोकर निकले हैं। क्या ये पुलिस की तरफ जाएंगे या कहाँ जाएंगे ये पता करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताइए दोस्त की थोड़ा सा हमें ये जानकारी दे दीजिए, कितने बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची आज सुबह? सुबह तो रात भर रही है, पूरी घर के अंदर ही थी। घर के अंदर ही। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने सुबह सीमा से? चलो बस सुबह एटीएस आई 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब सीमा ने कुछ बताया, क्या बातचीत हुई एटीएस से? कुछ उन्होंने सीमा ने कहना चाह रही, अगर मीडिया बारे हमें हैं तो मीडिया बारे से किसी से बात ना करना, सब बाहर करना है, ऐसा एटीएस ने बोला है। और ये बताया था सीमा ने कि क्या क्या पूछताछ हुई थी? ना कुछ भी ना, दस्तावेज बैग वगैरह लेके दे रहे। देखिए, ये सचिन के भाई हैं जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया पर बातचीत करके बताया था। आप लोग यहाँ पर हैं, ये सभी लोग हैं,
ये बताइए, सीमा भाभी को देखने के लिए आप आते थे, आप कहाँ हैं भाभी? मेरे पापा बताएंगे। हाँ जी, आप लोग तो वेलकम कर रहे थे। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। देखिए, बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है, ये युवा वर्ग यही है जो सीमा भाभी करके यहाँ पर रोज उनका वेलकम करता था, लेकिन आप कहाँ हैं भाई साहब, बताएं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा जानकारी दे दो, आप यहाँ देखने आए थे, अभी मिली क्या? नहीं, मेरे को नहीं मिली। नहीं मिली, क्या बताया गया आपको? मेरे कुछ पता ही नहीं है, मैं बताऊंगा। है तो आप लोग तो यहीं पर घर के पास ही खड़े हो, कुछ तो बताइए, कुछ जानकारी। देखिए, सीमा हैदर को सुबह लेकर गई थी पुलिस की टीम में, और इसी वजह से उसके बाद अब यहाँ पर कोई नहीं है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर सीमा हैदर कहाँ चली गई, कहाँ गई सीमा हैदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये यहाँ पर माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी भी कई तरह के सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी तो क्या वाकई में उसने कोई बड़ा प्लान बनाया था, या फिर वो कुछ खास सोच रही थी। और मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर सचिन के भाई यहाँ पर हमारे साथ हैं। थोड़ा देखिए, ये जवान जो है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा दोस्त, क्योंकि हम लोग रोजाना आपके घर आते हैं और हम रोजाना आपसे ये पूछते हैं, हालांकि आप लोग परेशान होते हैं। आज हम आखिरी बार ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि रात को कल सीमा को और सचिन को लेकर गई थी, आपके पिताजी को भी कल लेकर गए थे। हाँ। तो रात को पिताजी वापस आ गए? आ गए। और कौन कौन आया? और सीमा भी आई थी। सीमा भी आई थी, सचिन क्यों नहीं आया बताया उन्होंने? सचिन की पता नहीं, बताई ना हमें कोई खबर। अभी अभी कौन कौन लेकर गए हैं पुलिस? सीमा को, पापा को। अब क्या कह रहे थे कि कब तक छोड़ेंगे? कोई पता नहीं, अभी हमें कुछ नहीं बताया। रात भर पुलिस आपके घर थी, बाहर थी? घर ही थी। घर के अंदर बैठी थी? क्यों बैठी थी? क्या कह रहे थे वो कि हम लोग आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे? पता नहीं, तो भाई मुझे जानकारी ना। हाँ, बच्चे भी लेकर गई है अभी? हाँ, बच्चे लग गए, दो बच्चे भी लेकर गई है। देखिए, यहाँ पर सचिन का भाई है, क्योंकि सचिन के घर में ही सीमा हैदर रुक रही है। हम इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि घर के वो सदस्य हैं, इसलिए उनसे जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सीमा हैदर को पुलिस यहाँ से कहाँ लेकर गई। हालांकि एटीएस की टीमें जांच कर रही है, जो सामने भीड़ है उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रोजाना सीमा हैदर की एक झलक पाने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ पर आते हैं। लेकिन दो दिन पहले तक यहाँ पर सभी लोग, सीमा भाभी या सीमा हमारे घर की बहू, हमारे परिवार की बहू कहने वाले लोग, अब यहाँ पर आप लोग आए हैं, यहाँ पर सीमा को देखने आए हैं कि पड़ोस के? नहीं, देखने आए थे। कहाँ से आए हैं? सिकंदराबाद से। अब पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ? पता चल रहा है, यहाँ कोई है नहीं, क्या है, कुछ नहीं यहाँ पर। क्या और पता चला पुलिस लेकर? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं लगा, कुछ नहीं पता चला। आपके लिहाज से क्या लगता है कि वाकई में सीमा सचिन के प्यार के खातिर आई है या उसके पीछे की वजह? नहीं, वो तो प्यार के खातिर आई है वहाँ से। अच्छा, हाँ जी, यही आपको लग रहा है? जी। चलिए, आपकी राय है अलग। आप लोग भी बाहर से आए हैं? ये नहीं आए हैं। तो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर जितने भी युवा हैं, वो युवा जो है बात करने के लिए अब तैयार नहीं है। ये वही युवा है जो चार दिन पहले तक यहाँ पर वेलकम के लिए खड़े थे, लेकिन अब जिस तरह से एटीएस की टीमें यहाँ पर लगातार जांच कर रही है, एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर एटीएस के पास लगातार पूछताछ करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सवाल सबके जहन में इस वक्त है। और ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है, यानी सीमा लांग कर यहाँ पर आई है, और उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में आईएसआई का कोई बड़ा प्लान है, या फिर वाकई में सीमा सिर्फ सचिन के प्यार की खातिर भारत में आई है? ये सारे सवाल, इन जवाबों को तलाशने के लिए एटीएस की टीमें जांच कर रही हैं, और जब तक एटीएस की जांच पूरी नहीं हो सकती तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि सीमा को यहाँ पर बेदाग करार दिया जाए।